चीन की वुहान लैब में काम कर चुके अमेरिकी वैज्ञानिक ने कोरोना वायरस को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों को मौत की नींद सुला देने वाले कोविड-19 वायरस को वुहान लैब में तैयार किया गया था। अमेरिकी शोधकर्ता एंड्रू हफ ने ब्रिटिश अखबार द सन को दिए गए एक बयान के आधार पर न्यूयॉर्क पोस्ट ने जानकारी दी है। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि कोविड-19 वायरस 2 साल पहले वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लीक हुआ, जो एक सरकारी फंडिंग वाली रिसर्च फैसिलिटी है। अपनी नई किताब वुहान का सच में महामारी विशेषज्ञ हफ ने दावा किया कि यह महामारी चीन में कोरोना वायरस पर रिसर्च के लिए अमेरिका की तरफ से दी गई फंडिंग के कारण फैली। इस किताब के कुछ हिस्सों को ब्रिटेन के टेबलॉइड अखबार द सन ने प्रकाशित किया है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।